अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एंड्रॉयड मोबाइल की एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि एप्लीकेशन तो एक है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यानी काफ़ी सारी यूज़फुल एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर, और इनकी डिटेल मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। इस सारी एक एप्लीकेशन जस्ट आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, उसके अंदर आपको पैकेट मिलेगा बहुत सारी एप्लीकेशन, आप उसको ओपन करेंगे तो आगे ढेर सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, उनके डिफरेंट आगे यूजेस हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए मेरा ख्याल है कि अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले आपने ये स्मार्ट किट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है, ठीक है जी। उसके लिए आप सिंपल है कि अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाएँगे, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है स्मार्ट किट, जस्ट ये आपने टाइप करना है और ओके कर देना है, ठीक है जी। सर्च करने के बाद आपके पास ये स्मार्ट किट टॉप पर आ जाती है, तो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। तो अब देखिए, जैसे ये एक एप्लीकेशन है लेकिन इसके अंदर बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, यानी एक एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल रही हैं। जैसे ही मैं स्मार्ट किट को क्लिक करके ओपन करता हूं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आपको मिल रही हैं। सबसे पहले नोटपैड है, नोटपैड के अंदर आप अपने नोट्स वगैरह सेव कर सकते हैं, अपना डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेटर आ जाता है, ट्रांसलेटर के अंदर आप इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसा कि हाउ आर यू मैंने लिखा तो उसके नीचे उर्दू आ गई, तुम कैसे हो, ठीक है। इस तरह से आप यहां से लैंग्वेज ऊपर से सिलेक्ट करके कोई भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक फ़ीचर है इस एप्लीकेशन का। उसके बाद आगे डिक्शनरी आ जाती है, ये भी सबकी ज़रूरत है, यहाँ पर कोई वर्ड आपने सर्च करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से मुराद है कि आप अपने डेली की एक्सरसाइज की रूटीन का यहाँ पर एक पूरा जो है वो बना सकते हैं, प्लान लाम सेट कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये भी ऑप्शन है, फाइल मैनेजर है। इसके बाद फाइल मैनेजर, जैसे कि आप मोबाइल में होता है इसका अपना एप्लीकेशन का फाइल मैनेजर भी है, ठीक है जी। तो एक ये चीज़ होगी, कटर है। उसके बाद कटर को आप क्लिक करें तो किसी MP3 को आप कट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इसका एक फ़ीचर है। उसके बाद रिकॉर्डर भी है इसका अपना, बाकी आप ऑप्शन आप देख लीजिएगा, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। फ्लैश लाइट भी है, मिरर भी है, मैग्नीफायर मिरर कैमरे के लिए यूज़ होगा, बैटरी सेवर है, स्टॉप वॉच है, चेक लिस्ट कैलकुलेटर है, ठीक है। करंसी यहाँ पे देखें, करंसी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट कन्वर्टर, पूरा लेंथ एरिया, यहाँ पे आप क्लिक करें तो लेंथ एरिया, वॉल्यूम, मास, किसी भी यूनिट के अंदर आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं इसके अंदर। तो इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कारामद चीज़ है। उसके बाद आप देख सकते हैं जी, पेडोमीटर है, मैग्नेटिक है, टाइम जोन है, साउंड मेकर है, ये चीज़ें आप बारी बारी चेक कर लीजिएगा। मुझे इसमें जो जो एप्लीकेशंस ज़्यादा अच्छी लगी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, आप इस स्मार्ट किट टूल को इंस्टॉल करें और देखें कि आपको इसके अंदर काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे। सबसे अच्छा जो फ़ायदा मुझे लगा वो ट्रांसलेटर का है मेरे पास, ठीक है। तो ट्रांसलेट आप कर सकते हैं अपनी, मतलब ये जो ऑफिस में काम करते हैं लोग या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।